हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रॉक की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, क्या हो जाता है जैसे फ्रॉक में छोटे बेबी के लिए, ये बड़े लड़की का है लेकिन आप छोटे बच्चों के लिए भी आपको समझ में नहीं आता कि शोल्डर कितना लेना है और कौन सी लेंथ कितनी लेनी है, आपको कैसे वन पीस बनाना है तो यहाँ पे कमर तक बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो उस तरीके से आप मेजरमेंट करोगे तो आपका फ्रॉक की कटिंग जो है वो अच्छे से आपको फ्रॉक बनानी आएगी। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले आपको लंबाई लेनी है। अब क्या करना है, जैसे आपको पहले आपके ऊपर डिपेंड है, आपको वन पीस बनाना है तो पूरी लंबाई आपको लेनी है, जैसे यहाँ से शोल्डर से पूरी लंबाई आपको लेनी है। लेकिन आपको घेरेदार या कमर तक ये बॉडी पार्ट आपको अलग निकालना है और घेरा आपको अलग निकालना है, तो आपको ये पहले ये कमर तक नाप लेना है। ये देखिए यहाँ तक, ये आता है हमारा 14 इंच, इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है क्योंकि आधा इंच नीचे के साइड में और आधा इंच ऊपर के साइड में हमारा शोल्डर में जॉइंट करने के लिए जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये 14 इंच आया है तो आपको ये 15 इंच लेना है। उसके बाद ये जो शोल्डर है, शोल्डर नापने हैं, गला जो है वो ठीक से आपको रखना है। उसके बाद आपको ये शोल्डर नापना है, शोल्डर आता है हमारा 11 इंच, यानी कि 2.5 इंच पे आपको गला रखना है और ये शोल्डर का हाफ आपको लेना है। जितना भी आपका शोल्डर आएगा उसका हाफ आपको लेना है, यानी कि 5.5 इंच आपका शोल्डर आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस में ये गला जो है, गले का सेंटर आपको निकालना है और यहाँ पे आपको ये क्रॉस में गला नापना है, तो ये आता है हमारा 6 इंच और बैक साइड का गला आता है हमारा 5.5 इंच। इस तरह से आप क्रॉस में गला नाप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चेस्ट का नाप लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ये आता है हमारा 17 इंच। जितना आपका चेस्ट का, जैसे वन पार्ट का चेस्ट ऊपर के साइड का हमारा 17 इंच आया है, बैक साइड का हमारा 17 इंच आएगा, यानी कि 34 इंच, तो 17 उसका 1/4 हमें निकालना है। यहाँ पे हमारा 17 इंच आया, इसका आपको डबल करना है, यानी कि 34 इंच आएगा। यहाँ पे आपको 1/4 लेना है, यानी कि 8.5 इंच आपका 1/4 निकलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कमर का नाप लेना है, ये देखिए यहाँ पे हमारा कमर का नाप आता है 15 इंच, इस तरह से हमने नाप लिया है, ये आता है हमारा 15 इंच, इसका डबल हुआ हमारा 30 इंच, 30 का 1/4 आपको लेना है। उसके बाद घेरे का हिसाब कैसे लेना है आपको, जैसे आप कौन सी प्लेटें या पतली सी प्लेटें डालना चाहते हैं या बॉक्स प्लेट डालना चाहते हैं, जो आपको ज़्यादा फ्रिल वाली बाजू चाहिए, घेरा चाहिए तो वो बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले इसकी लंबाई लेनी है, जितना भी आपका घेरा होगा यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई लेनी है। लंबाई आती है हमारी 27 इंच, यहाँ पे हमारी ये पूरी लंबाई आती है, ये ऊपर के साइड में 14 इंच माइनस करके यहाँ पे हमारी ये बॉडी पार्ट की मेजरमेंट हमने अलग ली है और घेरे की मेजरमेंट हम अलग लेंगे, तो इसमें भी बॉडी पार्ट में 1 इंच प्लस करेंगे और इसमें भी इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि नीचे के साइड में आपको 1 इंच की पट्टी फोल्ड हो जाएगी और 1 या 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड हो जाएगी और 0.5 इंच हमारा कमर के साइड में सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद घेरे का हिसाब कैसे रहता है, आपके कपड़े के ऊपर रहता है, कैसे, जैसे कपड़ा कितना है आपका, वैसे तो जितना आपका कमर होगा उसको, जैसे 15 इंच हमारा कमर है ये देखिए, तो डबल किया तो 30 इंच होता है, तो आपके पास कपड़ा कम होगा तो आप 30 इंच में भी घेरा बना सकते हैं, नहीं तो आपको टिबल करना है, यानी कि और 15 इंच इसमें प्लस करना है, यानी कि 45 इंच का हमें ये घेरा निकालना है, तब जाके हमारा ये घेरा जो है अच्छे से बनता है, ये जो प्लेटें होती है ये अच्छे से आती है। तो जैसे आपको कपड़ा कम होगा तो आप डबल कपड़ा लेना है, जैसे जितना कमर होगा उसके डबल आपको कपड़ा लेना है, लेकिन आपके पास जैसे कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे जैसे 15 इंच आया तो 45 इंच आपको लेना है। उसके बाद ये हुआ आपका घेरे का, उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीव्स लेनी है, स्लीव्स है हमारी 14 इंच, जितनी भी आपकी स्लीव्स आएगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है,
फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम लेना है। जितना आपका बॉटम आएगा, 4.5 इंच आपका बॉटम आया है, इसमें आपको जैसे यहाँ पे हमने 1.5 इंच प्लस किया तो बाजू में भी आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो इस तरीके से आप जैसे घेरे वाला फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बना के यहाँ पे मैंने आपको इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है ये मैंने आपको बताई है, क्योंकि बॉडी पार्ट की मेजरमेंट अलग लेनी है और घेरे की मेजरमेंट अलग लेनी है। जितना आप कमर होगा उससे डबल आपको कपड़ा लेना है, और ज़्यादा होगा तो आपको ट्रिपल कपड़ा लेना है, यानी कि 15 इंच कमर है तो आप 45 इंच का जो घेरा लेंगे तो इसमें आपका घेरा भी ज़्यादा आएगा और प्लेटें ज़्यादा आएंगी और फ्रॉक जो है दिखने में भी अच्छा दिखता है। चेस्ट में जितना आता है, चेस्ट का 1/4 + 2 इंच, कमर का 1/4 + 2 इंच, 1.5 इंच लेंगे तो भी चलता है छोटे बच्चे के लिए ऐसे। और जितनी लंबाई होगी इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है बॉडी मेजरमेंट के लिए, और नीचे का जो घेरा है इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो और गला जितना है उतना ही आपको क्रॉस में गला लेना है, शोल्डर लेना है, शोल्डर का हाफ आपको लेना है। तो इस तरह से आप फ्रॉक की मेजरमेंट लोगे तो आपका फ्रॉक परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रॉक की मेजरमेंट कैसे लेनी थी ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।